अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर हरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ अपने कपड़ों के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज़ ईद इज़ कमिंग और ईद के लिए कैसे कपड़े होने चाहिए, हमें ईद पे क्या पहनना चाहिए, ये सब बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और ईद पे कैजुअल कपड़े पहनने चाहिए या थोड़े फैंसी हो जाएं या दरमियाने होने चाहिए, इन बातों का जवाब तो इंशाल्लाह मैं आपको दे ही दूंगी। और आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से हमारी ईद कैसी गुजरेगी आप सब लोग जान सकते हैं। अल्लाह ताला खैर हरियत रखे हम सब की, ईद अच्छी गुजरे। और मैं तो ईद इस दफ़ा बस नॉर्मल सा कुर्ता ही पहनूंगी, क्योंकि मैं इतना फैंसी नहीं पहनूंगी। तो ये मेरे कुछ कपड़े पड़े थे लॉकडाउन की वजह से, मैं तो शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। और ये मैंने लाइमलाइट से कुर्ता लिया था, इस पर सिंपल सा काम है और ये इसका मोटिव लगा, ये मोटिव बना हुआ है, इसका सिंपल सा मोटिव है। और इसके जो बाजू हैं इस पर बहुत अच्छा ये जो है लेस लगी हुई है, बहुत प्यारा है, ये सिंपल में भी आ जाता है। और इसको बहुत देखें ना, इसका पैटर्न देखें आप कैसा बना हुआ है। तो और अगर थोड़ा सा फैंसी करना चाहते हैं तो ये देखें, इसके बटन्स देखें, बटन्स बहुत प्यारे हैं, इसका गला बहुत प्यारा बना हुआ है। इसके साथ भी आप अगर मैचिंग करना चाहते हैं, वाइट पहनना चाहते हैं या पिंक भी मैच कर सकते हैं, ब्लू, मैं वैसे ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, मैं ब्लू ही करूँगी। और भी, और अगर आप पहनना चाहें तो आप इस तरह के कुर्ते भी पहन सकते हैं। ये खुला सा कुर्ता है, पीछे से ये लंबा है थोड़ा सा और आगे से गुलाई शेप में बना हुआ है। ये मैंने लिया था अलकरम स्टूडियो से, ये मैं पाकिस्तान जब गई थी तो अलकरम स्टूडियो से लेके आई थी। ये बहुत प्यारा बना हुआ है, इसके बाजू आई लाइक आर्म्स बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें चुनटे बनी लगी हुई हैं और ऊपर इसके पर्ल्स का काम है, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये जो है ये सिंपल सा ही है, इस पर कोई काम नहीं हुआ, ये बस अपना ही इसका पैटर्न है, बस इसके बाजू थोड़े से इस तरह बने हुए हैं, बटन्स लगे हैं। और ये मैंने निशात लीजन से लिया था, ये निशात लीजन से लिया था मैंने। और ये तो हो गई, और ये देखें, ये अगर आपने ईद की नमाज़ पढ़नी है और सुबह आपने ये पहना है, सिंपल भी पहन सकते हैं और इस तरह का भी थोड़ा सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी बांग्लादेश से, ये जुड़ी हुई है नीचे से कमीज इसके साथ ही, तो ये बांग्लादेश लेके आई थी। और बहुत प्यारा इस पर मोटिव बना हुआ है, बहुत प्यारा काम है। इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच किया था, ये क्रेप का दुपट्टा इसके साथ मैंने मैच किया था ऑफ वाइट में, और नीचे इसके था सिंपल सा मैंने इसके साथ वो गरारा बनवाया था, बहुत प्यारा लगता है नीचे पहना हुआ। और इसके बाजू आप देख सकते हैं, बाजू इसके सिंपल ही बने हुए हैं अम्ब्रेला शेप में। तो और गाइस, ये मेरी ईद मेरी बहन ने मेरे लिए भेजी थी, तो ये मैं लेके आई थी बट मैंने खोला नहीं था इसको, तो अभी मैं आपको खोल के इसमें दिखाती हूँ ये इसमें क्या क्या है। ये जो है सिंपल सा ये कुर्ता भेजा था उसने मुझे, मैं अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा ईद का है, ये ईद पे मैंने पहनना है, ना इतना फैंसी है और ना इतना, ये सिल्क का है, सिल्क का आप पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता, नॉर्मल सा ही होता है। पाकिस्तान में तो लोन के कपड़े भी लोग पहनते हैं ईद पे, तो कॉटन के आई थिंक चलते हैं। और यहाँ पे मैं देखें, ये सिल्क का कपड़ा है ब्लैक कलर का, इसका पीछे से देखें ये ब्लैक है सिंपल सा, और आगे से ये कलरफुल बहुत सारा फंकी सा बना हुआ है, बहुत नाइस। एंड इसका गला बहुत प्यारा मुझे लगा, क्योंकि गला इसका जो है ना वो ये इस तरह इस शेप में है, ये क्या इसको मुझे नहीं पता इस गले को क्या कहते हैं, लेकिन दिस इज़ माई फेवरेट। और ये निशात का कुर्ता है, और इसके साथ ये पिंक दुपट्टा ही मैं मैच करूँगी। और इसके साथ जो है ये देखें, ज्वेलरी भी मैंने फंकी सी ली है, और इसके साथ खुद सा मैच किया, देखें ये भी मल्टी कलर्स का है, स्टाइलो से लिया था ये भी सब शॉपिंग पाकिस्तान से है। और देखें कितना प्यारा लग रहा है, हर चीज़ बहुत प्यारी है। और इसके साथ मैं क्योंकि सब कुछ वो है मल्टी शेड में है, तो मैंने सोचा कि एयरिंग्स मैं सिंपल से लाइक गोल्ड कलर में ले लेती हूँ सिंपल से, और ये नाइस लगेंगे। और इसके साथ बाजू अटैच नहीं है, तो मुझे बाजुओं का कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ बाजू उन्होंने ऐसे दिए थे निशात वालों ने, तो बाजू बहुत प्यारे बने हैं इसके।
और क्रेप के बाजू हैं इसके साथ, तो अच्छा लगता है, सिंपल में भी आ जाता है और फैंसी भी थोड़ा हो जाता है। ये देखें इसके बाजू है, तो ये बाजू भी मैं इसके लगवाऊंगी तो फिर इसको बहुत नाइस ये लगेगा। ये इस तरह इधर इधर मैं अब ऐसे लगा के दिखा देती हूँ आपको, तो बाजू इसके साथ ऐसे लगेंगे तो फिर बहुत नाइस ये और भी इसकी लुक आएगी, क्योंकि विदाउट बाजू तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर मॉडर्न, तो वो फिर ऐसे स्लीवलेस भी पाकिस्तान में चल रहे हैं आजकल, तो लोग पहन लेते होंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा इसकी लुक आएगी। और इसके साथ ब्लैक ही ट्राउज़र मैंने मैच किया था, क्योंकि ये सिंपल कुर्ता मिलता है तो इसके साथ चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं और बहुत नाइस है ये। तो इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सबका कुछ आइडिया मिला होगा कपड़ों के बारे में, और इसके साथ आप मल्टी कलर्स जो है वो भी मैच कर सकते हैं, और इसके साथ पर्स भी मैं दिखाती चलूँगा। ये देखें नाज़रीन, सब चीज़ें चूड़ियाँ भी आ गईं, बैग भी आ गया, क्योंकि बैग भी मैंने गोल्ड कलर में चूज़ किया इसके साथ। और क्योंकि ये चीज़ें घर में से ही हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई, ये कुछ मेरी बहन ने गिफ्ट की थी, कुछ मेरे मम्मी ने लेके दी थी चीज़ें, और मेरे पापा जो हैं उन्होंने कुछ ये चूड़ियाँ तो मेरे पापा लेके आए थे, और ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं और मैं इंशाल्लाह ज़रूर पहनूंगी। और जो है ईद इतनी सिंपल सी होगी, बिकॉज मेरे डैड जो हैं फोत हो चुके हैं, तो ईद सिंपल सी होगी, मगर नमाज तो पढ़नी है, हमने ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, जब मेरी बहन लेके आई थी तो मेरे पापा ने देखी थी तो बहुत खुश हो रहे थे कि बहुत प्यारी चीज़ें हैं, और मेरी बेटी पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। माँ बाप को अल्लाह ताला आप सबके ऊपर सर पे सलामत रखे, और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जो फोत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अता फरमाए उनको। और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी गाइस, और अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, बेशक वो मेरे साथ नहीं है लेकिन वो मेरे दिल में और मेरे हर जगह मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मेरी ईद की चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।